हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिजाइनर फ्रॉक की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज को लाइक कर दें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइनर फ्रॉक को बनाने के लिए मैं जॉर्जेट की फैब्रिक ली हूँ 6 मीटर और अस्तर की फैब्रिक ली हूँ साटन की है, ये मैं 3 मीटर ली हूँ और ये लेस में लगाने वाली हूँ, ये 15 मीटर है। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। अगर आपको इस तरह की लेस नहीं मिल रही तो आप इस जगह पे गोटा पट्टी भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और मैं एक चेन यूज़ करूँगी इसमें। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप बॉडी मेजरमेंट देख लें। बॉडी मेजरमेंट है हमारा फुल लेंथ 52 इंच और बॉडी लेंथ 13 इंच, शोल्डर 12 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 26 इंच, स्लीव्स 16 इंच और कफ 8 इंच। तो सबसे पहले हमें अपर पार्ट की कटिंग करनी है। अपर पार्ट की कटिंग हम पहले अस्तर की फैब्रिक में करेंगे, उसके बाद हम जॉर्जेट की फैब्रिक में करेंगे। तो ये मैं अस्तर की फैब्रिक को 4x4 में रख ली हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टिचिंग भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को कॉमन चीज़ नहीं दिखाऊँगी, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। तो अब हम लोग बॉडी की लेंथ लेंगे। यहाँ पर देखिए बॉडी लेंथ हमारा 13 इंच है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा दूँगी लेंथ में। लेंथ के लिए निशान लगाते हैं 14 इंच पर। इस साइड से भी हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे 12 इंच है तो हम 6 इंच लेंगे, 6 इंच का बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा है यहाँ पे 32 इंच। 32 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को 4 से डिवाइड नहीं आता तो आप इंची टेप की मदद से 4 फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा हुआ डबल फोल्ड और ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। तो यहाँ पे आया हमारा 8 इंच। 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर देंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे वेस्ट के लिए भी निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारा है 26 इंच। 26 को हम 4 फोल्ड कर लेंगे, मतलब 4 से डिवाइड, तो हमारा यहाँ पे आया 6.5 इंच। यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेकन भी आता है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अब इस निशान को हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप देंगे। यहाँ पे हमारा 6 इंच है इसका हाफ में। इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम सेम कटिंग जॉर्जेट की फैब्रिक पे रख कट कर लेंगे। तो अब मैं जॉर्जेट की फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में रख ली हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम अपने अस्तर की फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जॉर्जेट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर कांधे के पास थोड़ा सा शेप दूंगी, ताकि हमारा कांधा, बहुत लोगों का आप देखे होंगे कांधा बिल्कुल गिरता है, तो ये इस तरीके से करने से हमारा कांधा नहीं गिरेगा। यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे 1/2 इंच। ये छोटे छोटे पार्ट से जिसे ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए आर्म होल हम यहाँ से ही नाप लेंगे। ये हमारा आया 8.5 इंच। यहाँ से हम 1 इंच कम कर देंगे, 7.5 इंच। तो हम स्लीव्स जब कट करेंगे तो आर्म होल वहाँ पे हम 7.5 इंच ही देंगे। तो आइए हम लोग अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। इसके लिए मैं जॉर्जेट 4x4 में कर लूँगी।
अब यहाँ पे हमारी स्लीव्स की लेंथ है 16 इंच, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे लेंथ में, मतलब 17.5 इंच। यहाँ से हम 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि लाइन हमारा बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो, स्ट्रेट जाए। इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से 3 इंच देंगे शेप के लिए, इसे मिला लेंगे। यहाँ से हम शेप देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम कफ के लिए निशान लगाएंगे। कफ हमारा है 8 इंच, यहाँ पे हम इसका हाफ लेंगे तो मतलब 4 इंच। यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच देंगे प्लाई के लिए। इस निशान को हम मिला लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारे स्लीव्स की डिजाइनिंग हो गई। अब हम कट कर लेते हैं इसे। इस तरीके से ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो अब हम अपने लोअर पार्ट की कटिंग करने वाले, जो कि हमारा घेरा है। आपने थंबनेल में देखा ही है कि ये हमारा डबल लेयर फ्रॉक है, तो दूसरा लेयर हमारा सेम प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमारा फुल लेंथ है 52 इंच, तो 52 इंच में से हम बात करेंगे बॉडी के लिए 13 इंच। इस तरीके से बात करना है, देख लें आप, ये हमारा है 52 इंच, यहाँ से हम 13 इंच निकाल देंगे, 13 इंच। यहाँ पे आया हमारा 39 इंच, यहाँ पे हम 1 भी इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि नीचे हमारा पीको जाने वाला है, तो यहाँ पे हम 39 इंच ही देंगे। अब फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है वो देख लें आप। ये हमारा 39 इंच हुआ। ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है। जॉर्जेट का फैब्रिक लेंथ की तरफ से हम लेंगे 39 इंच। पहले हम निशान लगाएंगे, आप देखिए इस तरीके से। ये हमारा 39 इंच हुआ। यहाँ से आप लोगों को 8 से 10 इंच पहले एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मैं 8 इंच ले रही हूँ, आप 10 इंच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से लेने के बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम एक कोना उठाएंगे और यहाँ पे 3 कोने में बनाएंगे। इस तरीके से 3 कोना सिल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 3 कोना से बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर के लिए ये मैं अस्तर वाला पार्ट ली हूँ और यहाँ पे जो हमारा फिटिंग नाप है इसे हम 3 कोने के पास यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आया है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसे हटा देंगे, इसे हम नाप लेंगे यहाँ कोने से कितना है। ये हमारा 10 इंच पे है, तो 10 इंच का हम राउंड शेप देंगे। ये हमारा कमर के लिए निशान लग गया। अब यहाँ से हम लंबाई देंगे। लेंथ हमारा था 39 इंच। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2-3 इंच यहाँ पे जोड़ आएगा, तो जोड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 2 पार्ट में ही हमारा जोड़ आएगा और ये हमारा सिर्फ एक ही लेयर में जोड़ आएगा। सेकेंड लेयर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे जोड़ नहीं आएगा क्योंकि कपड़े में अच कम रहता है, तो यहाँ पे जोड़ थोड़ा सा आता है। उससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आप लोगों को जोड़ लगाना भी बिल्कुल अच्छे से बता दूंगी। इस तरीके से यहाँ पे हम राउंड शेप देते जाएंगे कमर से मिलाते हुए। आप देख सकते हैं हमारी निशान बिल्कुल अच्छे से लग गई है राउंड शेप। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएं, तो यहाँ पे कट करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कट करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को जोड़ लगाना बताऊंगी बिल्कुल अच्छे से।
तो आप देखें यहाँ पे जोड़ के लिए मैं कहाँ से फैब्रिक लगा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से। ये हमारा जो कोन वाला पार्ट है इसे हम लेंगे, ये हमारा डबल लेयर में है, ये आप देख सकते हैं दो हमारा ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट में ही जोड़ लगने वाला है, यहाँ से हम ये कोन वाले पार्ट से इसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये तीन कोने वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ रखेंगे इसके नीचे, बिल्कुल अच्छे से रखें ताकि जोड़ हमारा कम या ज्यादा ना हो। तरीके से हम इसके हाफ इंच अंदर की साइड करके रखेंगे। अब हम इसकी सेम कटिंग करेंगे यहाँ से। ये दोनों जोड़ को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हमारी फर्स्ट लेयर की हो गई है। अब मैं सेकेंड लेयर की सेम प्रोसेस के साथ कटिंग करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैं सेकेंड लेयर को तीन कोने में बनाकर बिल्कुल अच्छे से निशान लगा ली हूँ। फर्स्ट लेयर हमारा था 39 इंचेस का, यहाँ से मैं 8 इंच कम की हूँ, यहाँ से यहाँ पे हम 31 इंच लिए हैं सेकेंड वाला लेयर। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल भी जोड़ नहीं आया है। इस तरीके से आप लोगों को भी कटिंग करनी है। इस तरीके से मैं अस्तर के फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद तीन कोने शेप में बना ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कमर के लिए निशान लगा ली हूँ। लेंथ में मैं यहाँ पे जोड़ नहीं दी हूँ, अस्तर हमारा थोड़ा सा कम भी होता है तो चलेगा। ये हमारी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितने इंच की है, ये 33.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग इस तरीके से हमारा था तो मैं यहाँ पे जोड़ और ऐड नहीं की हूँ। हमारा जितना भी यहाँ पे मैं ले ली हूँ, जोड़ ऐड करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये अस्तर है हमारा अंदर में थोड़ा सा छोटा भी रहे तो चलता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आप लोग मैं बोलती हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स स्टेप वगैरह मैं बताती रहती हूँ बीच बीच में। तो ये इस तरीके से हमारी पार्ट्स की भी कटिंग बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अब मैं आप लोगों को स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी पार्ट को लेंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट का अस्तर वाला है, इसके ऊपर हम जॉर्जेट वाले पार्ट को रखेंगे। इस तरीके से अब हम हर साइड से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। सेम हम फ्रंट और बैक दोनों साइड को करेंगे। इस तरीके से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में साइड की सिलाई लग गई है। अब हम लेस लगाने के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1.5 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे और इस साइड पे भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे तीन कोने में मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरे में निशान लगा लेंगे। इस तरीके से एक साइड पे हमारे निशान लग गई है। अब हम दूसरी साइड से यहाँ पे लगाएंगे।
इस तरीके से दोनों साइड से हमारे निशान बिल्कुल अच्छे से लग गई है बर्फी डिज़ाइन में। अब इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे, इस तरीके से हम बिठाएंगे। पहले हम एक साइड पे बिठाएंगे, उसके बाद हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। इसी तरीके से सेम हम अपनी स्लीव से भी कर लेंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट पे ये लेस लग चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपने स्लीव पे भी लगा ली हूँ। इस तरीके से हम अपने दोनों स्लीव पे लगा लेंगे। अब बैक साइड पे हमें नहीं लगाना है लेस, बैक साइड पे मैं चेन दूंगी ये वाली, इसे हम मिडल से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पे हम चेन रखेंगे और इसे हाफ इंच मोड़ते हुए इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई देंगे और यहाँ से हाफ इंच मोड़ते हुए इस साइड पे सिलाई देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी चेन बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम टिकन लगा लेते हैं, इसे डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ 5 इंच पे स्ट्रेट। हम पीछे के साइड पलटेंगे और यहाँ पे भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ स्ट्रेट में 5 इंच पे, और इसे हम इस तरीके से पकड़ के बिल्कुल हल्के हल्के से एक टेकन लगाएंगे इस साइड और इस साइड, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी टेकन बिल्कुल अच्छे से लग गई है। अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेते हैं, इसे हम डबल फोल्ड में करेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ से हम 3 इंच पे देंगे और इसकी लेंथ 6 इंच। अब इसे हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम इसकी पट्टी कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को लेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे 4-5 इंच, जितनी आप डबल फोल्ड कर लें इसे इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ और यहाँ मिलाते हुए रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड फैब्रिक करने के बाद यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे 1 इंच जितना गैप रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेन लगा हुआ है तो यहाँ पे मोड़ने पे काम आएगा। डेढ़ इंच रखते हुए हम कट कर लेंगे इसे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक की कट यहाँ पे 3 इंच देंगे चौड़ाई गले के लिए और यहाँ पे 6 इंच यहाँ पे राउंड शेप देंगे। इस तरीके से हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे।
अब हम इसके लिए पट्टी कट करेंगे। अस्तर की फैब्रिक से हम पट्टी कट करेंगे। अस्तर की फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे, लगभग 5 से 6 इंच डबल फोल्ड कर लिया। इसे इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच जितना रखते हुए डबल राउंड शेप देंगे। अब इसे हम इसके ऊपर बिठा लेते हैं। इस तरीके से हम सीधी साइड से रखते हुए पीछे की साइड पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं पट्टी लगा के पीछे की साइड पलट दी हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। मैं आप लोगों को वहाँ पे डोरी ऐड करना बताना भूल गई थी। यहाँ पे मैं डोरी भी लगाई हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे डोरी लगाई हूँ मैं। और यहाँ पे ये 1 इंच एक्स्ट्रा वाला पट्टी का फैब्रिक है, ये आप देख सकते हैं। इसे हम पीछे के साइड से इस तरीके से पलटेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इस तरीके से मोड़ते हुए इस तरीके से चाप की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड पे करेंगे हम। उसके बाद हम सीधी साइड पे, इस साइड की ये सीधी वाली साइड है, इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर मारने के बाद इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ से पलटने के बाद हम अपनी स्लिप्स को भी ऐड कर लेंगे। ये हमारी 2 स्लिप्स आप देख सकते हैं, ये मैं तैयार कर ली हूँ लेस लगाकर। ये दोनों हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरीके से। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं हमारी स्लिप्स अटैच हो गई है बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड पे। अब हम इस तरीके से साइड की सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे फिटिंग्स के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं हमारी साइड की सिलाई बिल्कुल अच्छे से लग गई है फिटिंग के साथ। मैं सीधी साइड से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब हम अपने घेरा को ऐड करेंगे यहाँ पे। ये हमारा फ्रंट फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हमारा 2 जोड़ हैं। जोड़ कैसे ऐड करना पहले वो देख लिया। यहाँ पे हम जोड़ ऐड करेंगे। ये दोनों जोड़ को हम यहाँ से पहले अटैच कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारी इस तरीके से सिलाई लग गई। इसे अब हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे, ये सीधी साइड से मिलाते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जोड़ बिल्कुल अच्छे से ऐड हो गया है इस तरीके से। अब हम कमर के पास कैसे ऐड करेंगे वो देख लिया। अब मैं आप लोगों को कमर लगाना बताती हूँ। यहाँ से लोअर पार्ट ऐड करना, ये हमारा राउंड शेप है, इसे हम इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे अच्छे से। उसे खींचना नहीं है, यहाँ पे हम सिलाई के लिए निशान लगाते हैं और इसे हम बिल्कुल एंड तक यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये दोनों पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इसे बिल्कुल राउंड कर देंगे। इस तरीके से हम अपने दूसरे वाले लेयर को भी करेंगे सेम और अपने पार्ट को भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैं तीनों पार्ट में सिलाई लगा ली हूँ बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से। ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये सेकंड और ये हमारे अस्तर वाले तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इसे सीधा की साइड करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। पहले हम इसे राउंड करेंगे, इसके ऊपर हम बड़ा वाला पार्ट अपना रखेंगे
सीधा करके इस तरीके से, इसके ऊपर अब हम अपना छोटा वाला पार्ट रखेंगे। एक दो और ये तीन, ये तीनों पार्ट को हम मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल राउंड में, इस तरीके से। इस तरीके से मैं तीनों को पकड़ के बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लूंगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सिलाई तीनों बिल्कुल तीनों पार्ट में बिल्कुल अच्छे से लग गई है। इस तरीके से पकड़ के मैं सिलाई लगा ली हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये सेकेंड, और ये अस्तर हमारा। अब हम इसे बॉडी से अटैच करेंगे, तो इसे मैं उल्टी साइड से कर लेती हूँ इस तरीके से। इसे हम उल्टी साइड से रखेंगे और अपने बॉडी को सीधी साइड से इस तरीके से हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे पकड़ के हम यहाँ पे राउंड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं सिलाई लगा कर मैं बॉडी और घेरों को बिल्कुल अच्छे से अटैच कर ली हूँ। अब मैं इसे सीधा की साइड से आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से फ्रॉक का ये हमारा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बैक, यहाँ पे ये हमारी चेन जो अटैच हुई है, और इस तरीके से यहाँ पे मैं डोरी लगाई हूँ, डोरी में ये फुदनी, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और ये हमारी फ्रंट साइड, और इसमें बहुत ही ज़्यादा घेर आया है, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, इसे आप अपने पार्टीज में पहन सकते हैं या फिर कोई ओकेज़न पे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।